मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजगार को लेकर की गई घोषणा पर, जिसमें सीएम ने कहा है मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के बच्चों का होगा, सभी शासकीय नौकरी सिर्फ प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेगी, इसको लेकर शाजापुर जिले के काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। ये 15 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारों का प्रदेश बनाने वाले, 28 लाख पंजीकृत जिसके अंदर बेरोजगार है और 1 करोड़ से ज्यादा अपंजीकृत बेरोजगारों का प्रदेश बनाने वाली भाजपा, जिसने व्यापम के नाम से मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार को बेचा, मध्य प्रदेश के लोगों के भविष्य का कत्लेआम करा, वो आज सोच हुए खाके बिल्ली हज को चली लगता है। आज उपचुनाव के लिए सिर्फ घोषणा और सिर्फ भाषण, रोजगार निकाले काय में है, जिसको बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, पहले रोजगार की व्यवस्था करें और उसके बाद बात करें कि किनको देने का है। रोजगार पहले ये बेच चुके हैं, आज ना तो रोजगार है, बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन रहा है, सिर्फ भाषण का शासन ये सरकार चलाना चाहती है और ये उपचुनाव के लिए एक प्रकार से जुमला फेंकने का काम इस सरकार ने किया।